हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग यार। आज के इस वीडियो में मैं जिस एक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ उसे आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा। हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामास में काम नहीं किया है, लेकिन तो भी इनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ कोरिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड है। वो शायद इसलिए क्योंकि थोड़ी ही सही लेकिन जिस भी प्रोजेक्ट में इस एक्टर ने हाथ डाला वो हाईली सक्सेसफुल रहा। किम एन जुंग ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि ये एक आइडल भी रह चुके हैं। इनका बॉय बैंड का नाम SS501 था, जिसे जेमिनी बैंड भी कहा जाता था। तो आज मैं आपको किम एन जुंग की कंप्लीट ड्रामा लिस्ट और अपने पर्सनल रिकमेंडेशन के बारे में बताऊंगी, तो बनी रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। किम एन जुंग ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की 2004 के एक शो नॉनस्टॉप 5 से, जिसमें वो खुद अपना ही रोल प्ले करते नजर आए। 257 एपिसोड के शो में गेस्ट रोल प्ले करते हुए यन जुंग ने टेलीविजन में एंट्री मारी। अगर आप क्यूरियस हैं यन जुंग की डेब्यूट एक्टिंग देखने के लिए और आप उनका ये शो देखना चाहते हैं, तो इस शो के एपिसोड नंबर 208 में यन जुंग आपको नजर आएंगे। इस शो के अलावा भी यंग जुंग ने कई और शोज किए जिनमें उनकी या तो सपोर्टिंग रोल की भूमिका रही या गेस्ट अपीयरेंस। 2005 के शो कैन बी रिफील द लव में वो विलियम एजी का सपोर्टिंग रोल प्ले करते नजर आए। इसके बाद होटेलियर और उसके बाद स्पॉटलाइट। यंग जुंग को अपने एक्टिंग करियर का बिग ब्रेक मिला 2009 के हिट शो बॉयज और फ्लावर से। ये शो हाना योरी डांगो नाम के एक जैपनीज का कोरियन अडॉप्टेशन है। वैसे तो इस ड्रामा के लीड कपल इमिनो और क्यू हाई सन है, लेकिन यंग जुंग भी इस ड्रामा में जी हो का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस ड्रामा की मोटी मोटी स्टोरी ये है कि जुम जानदी नाम की एक वर्किंग क्लास लड़की स्कॉलरशिप से एक एलाइट स्कूल में एडमिशन पा लेती है, लेकिन वहाँ के कुछ रईस लड़कों के ग्रुप जिसका नाम F4 है के चक्कर में फंस जाती है। चार शहजादे जो स्कूल को अपनी जागीर समझते थे, ये एक्चुअली हमारे बाप का है। जो हमसे करेगा डिफर वो करेगा सफर। नाम F4 चार ऐसे लड़कों का ग्रुप है जो बहुत ही पैसे वाले होने के साथ साथ गुड लुकिंग और हैंडसम भी है। पूरे स्कूल में उनका डंका बोलता है और इनका लीडर है गोजन प्यो, जिसका रोल इमिनो ने प्ले किया है। यंजुंग भी इसी ग्रुप के एक मेंबर है, लेकिन बाकी मेंबर्स के विपरीत ये एक शांत स्वभाव का लड़का है जो दूसरे बच्चों को तंग करने में अपने पैसे का रौब झाड़ने में मजा नहीं ढूंढता। इन्हें भी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और इन तीनों के बीच बन जाता है लव ट्रायंगल। लेकिन जैसे कि स्टोरी राइटर की साजिश थी, बंदी मिलती तो इमिनो को ही है। और जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो मेरी तरह आप भी इनके ट्रायंगल और बेचारे जी हो को रोते देख सेकंड लीड सिंड्रोम के शिकार हो जाएंगे। आप भी ड्रामा के एंड तक पूरा वेट करेंगे कि काश कुछ चमत्कार हो जाए और बंदी जी हो को मिल जाए। आई एम सॉरी मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, लेकिन ये ड्रामा पुराना ही इतना हो चुका है अब कि कोई ना चलता है इतना तो। इगोन 뭐? 또 함정에 빠진 거야? 미안해. 그게 난 너한테 내 진심을 보여줘서. 아니야. 그게 아니라. ये ड्रामा इतना पॉपुलर रहा ऑल ओवर एशिया में कि इसके बाद इस ड्रामा के सारे लीड एक्टर्स का करियर आसमान छूने लगा। और यन जुंग को 2010 में प्लेफुल किस नाम के ड्रामा में बेक संग जो का रोल मांगा पे बेस्ड है, जिसमें ओ ना ही नाम की एक स्टूडेंट है जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बेक संग जो के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता और उसे अवॉइड ही करता रहता है। फिर कुछ इवेंट्स के चलते हालात कुछ यूं बनते हैं कि ओ ना ही के घर टूट जाता है और वो अपने पापा के साथ उनके फ्रेंड के घर में शिफ्ट हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके पापा के फ्रेंड का बेटा ही बेक संग जू है और वो उसी के घर में रह रही है। कहानी में देखने लायक है दोनों मेन लीड्स की केमिस्ट्री और उनके आपस की नोकझोंक, और इतनी ऑब्वियस सिचुएशंस के बाद भी ये दोनों प्यार में पड़ना कैसे अवॉइड करते हैं। यन जुंग का ये ड्रामा भी काफी सक्सेसफुल रहा और इसने उन्हें एस्टेब्लिश किया एक मेन स्ट्रीम एक्टर के तौर पर, जिसके बाद 2011 में ड्रीम हाई नाम के एक हाई स्कूल ड्रामा में फिर से यन जुंग नजर आए गेस्ट अपीयरेंस देते हुए। इस ड्रामा के पहले ही एपिसोड में इन्हें देख सकते हैं और यहाँ ये अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं।
इस छोटे से रोल के 3 साल बाद तक इस एक्टर को टीवी पर नहीं देखा गया। उनकी पर्सनल लाइफ इश्यूज और उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर चल रहे कोर्ट केसेस में उलझे रहने के बाद 2014 में यंगजुन ने फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर कमबैक किया। इनका कमबैक ड्रामा रहा इंस्पायरिंग जनरेशन। 24 एपिसोड्स के इस ड्रामा में शिनजंग ते का लीड रोल निभाते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। शिनजंग ते 15 साल की उम्र में ही अपने पापा को खो देता है। 1930 में जब जापानीज ने शंघाई को ऑक्यूपाई कर लिया था तब एक जापानीज सोल्जर ने जंग ते के फादर को गोली से शूट कर दिया था और इंसाफ मिलने के बजाय जंग ते को ही उसके फादर के मर्डर के इल्जाम में एक्यूज कर दिया जाता है। अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए जंग ते लंबे समय तक अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट फाइटर बन सके और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस ड्रामा की स्टोरी काफी इंटेंस थी और ड्रामा को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले क्योंकि कुछ लोगों को शायद किम यंजुन की फ्लावर बॉय इमेज से शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगा और कुछ लोगों ने इस चेंज को खुले दिल से एक्सेप्ट किया। इस ड्रामा के बाद यंगजुन ने 2018 में काम किया व्हेन टाइम स्टॉप नाम के ड्रामा में। ये इनके करियर का पहला ऐसा ड्रामा था जिसके फर्स्ट एपिसोड को 0.1% की व्यूअरशिप रेटिंग मिली। दैट वॉज हॉरिडियसली लो स्पेशली फॉर अ के ड्रामा एयरिंग ऑन अ पब्लिक। इस ड्रामा में यंजुन ने एक मिस्टीरियस एंड लोनली मैन का कैरेक्टर प्ले किया जिसके पास टाइम को अपने हिसाब से रोक देने की एबिलिटी है। वो एक बिल्डिंग में रहता है जिसमें चीजें तभी मूव होती है जब सारी दुनिया का टाइम रुक जाता है। उसे एक वुमन से प्यार हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उसी के साथ ओपन अप हो सकता है। जब वो उस वुमन को थोड़ा और जानने समझने की कोशिश करता है तब वो पाता है कि वो लोन शार्क्स के चक्कर में फंसी हुई है और ऑलरेडी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में है। आई रिकमेंड दिस ड्रामा टू दोज हु लव द अननोन एंड फैंस ऑफ किम यंजुन। तो गाइज ये थे किम यंजुन के अब तक के सारे ड्रामास। इनमें से मैं आपको रेकमेंड करूंगी बॉयज और फ्लावर्स और प्लेफुल किस। बाकी इंस्पायरिंग जनरेशन भी वन टाइम वॉच के लिए देखा जा सकता है। आपने इस एक्टर का अभी तक कौन सा ड्रामा देखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे और अ गुड नाइट मेबी।